कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की है। साथ ही युवा कांग्रेसी नेता के विवाद को लेकर एसटीएम पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सुमित भुल्लर ने कहा कि अग्निवीरों की आवाज उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई करना उचित नहीं था। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछेती की रिपोर्ट। लगातार संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी से भी मिले हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस समय जरूरत है, जो अग्निवीर में जो 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 डॉक्यूमेंट्स के चलते लोग अग्निवीर, हमारे जो युवा साथी है अग्निवीर में अपेयर नहीं हो पा रहे थे, जरूरत थी उनको मदद करने की। लेकिन उनको मदद करने की जगह जो उनके हित की आवाज हमारे यूथ कांग्रेस के साथी उठा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे लगाने का काम किया जा रहा है, उनको अनर्गल दबाने का काम किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है।